हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला के अंत के बाद दुनिया भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहीं नसरल्ला के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं तो कहीं जश्न मनाया जा रहा है। वहीं इसराइल ने लेबनान पर हमले रोके नहीं हैं, वो ताबड़तोड़ हिजबुल्ला पर बम वर्षा कर रहा है। नसरल्ला की मौत के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जमीन से जिस 60 फीट की गहराई में बने हेडक्वार्टर में इसराइल ने नसरल्ला को मार गिराया, उसकी कंफर्म लोकेशन और अंतिम क्लियरेंस किसने इसराइली सेना को दी? कौन था वो शख्स जिसकी आखिरी खबर ने नसरल्ला की मौत पक्की कर दी? आपको बता दें कि वो शख्स, वो एजेंट कोई इसराइली सेना का एजेंट नहीं बल्कि ईरान का जासूस था। जी हाँ, फ्रांसीसी अखबार ले पेरिसियन ने दावा किया है कि जिस वक्त नसरल्ला की लोकेशन पर इसराइल ने बम गिराया उससे महज कुछ ही घंटे पहले ईरान के जासूस ने इसराइल को जानकारी दी थी कि नसरल्ला अभी कहाँ है और कहाँ जा रहा है। इसके साथ ही उसने ये भी जानकारी दी कि नसरल्ला जहाँ जा रहा है वहाँ पर वो कितनी देर रुकेगा। बस यही वो अंतिम इनपुट था जो हाल फिलहाल में इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन में से एक के खात्मे की वजह बना। माना जा रहा है कि इसराइल नसरल्ला की लोकेशन बहुत पहले से ढूंढ रहा था, लेकिन नसरल्ला की सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी कि इसराइल को उस सिक्योरिटी को ब्रेक करने का कोई लूप होल नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कोशिशें करता रहा, उसने हार नहीं मानी और फिर अपने मजबूत गुप्तचरों के आधार पर उनकी जानकारी का पता लगाया। ले पेरिसियन के मुताबिक ईरानी जासूस ने इसराइल को ये भी बताया कि नसरल्ला किस कार से जाने वाला है, यानी सीक्रेट एजेंट ने उसे रुकने का समय, गाड़ी की पहचान और एक एक जानकारी इसराइल को दी। इसी जानकारी के आधार पर इसराइल ने बेरूत में बमबारी की और दहियाह में करीब 6 इमारतों को ध्वस्त कर दिया जिसमें नसरल्ला भी मारा गया। इतिहास में इसराइल के किसी ऑपरेशनों पर नजर डालें तो ऑपरेशनों को सफल बनाने में इसराइल के जासूसों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसराइल जासूसों को ही अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि इसराइल ने हाल के कुछ समय में लेबनान में इतना कहर बरपाया और उसका एक एक ऑपरेशन इतना सफल रहा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला के आला अधिकारी इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने का प्लान बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, वहीं इसराइल उन्हें रोकना चाहता था। इसराइल ने हिजबुल्ला के उस ठिकाने पर 80 टन के बम गिरा दिए। इतने बड़े बम धमाके से हिजबुल्ला का मुख्यालय नेस्त नाबूद हो गया। हाल ये था कि नसरल्ला के शतविशत शव की पहचान करना मुश्किल हो गया था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उसकी अंगूठी और अन्य सामान से शव की पहचान की गई, जिसके बाद हिजबुल्ला ने भी नसरल्ला की मौत की बात को कबूल किया। इसराइली सेना के मुताबिक वे इसके लिए कई महीनों से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वे रियल टाइम जानकारी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही जानकारी मिली, नतीजा दुनिया के सामने है। बहरहाल अब ईरान के इस जंग में कूदने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं मिडिल ईस्ट की जंग बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।